चलो ये के साथ करते हैं फन शुरू। हाय दोस्तों, हम हैं सोनी ये समर कैंप में और मैं हूँ आपका दोस्त आर्ट जीनियस लालोन। पता है एक बार बनी ना दौड़ते हुए आया और मुझे बोला कि एक जादू देखना है, जादू देखना है। मैंने बोला हाँ दिखाओ दिखाओ। तो बनी ने फट से फैन का स्विच ऑन कर दिया और फैन जोर जोर से घूमने लगा और उसने बोला देखो देखो फैन का ब्लेड जो है वो दिख नहीं रहा है, वो अदृश्य हो गया है। मैंने बोला अच्छा, तो उसने बोला कि अगर हम इतना ही जोर से घूमेंगे तो हम भी अदृश्य हो जाएंगे। मैंने बोला वो मुझे पता नहीं कि तुम अदृश्य हो जाओगे कि नहीं, लेकिन फैन का ब्लेड क्यों अदृश्य हो रहा है पता है आपको? पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि कोई भी चीज अगर बहुत स्पीड से घूमे तो हमारे जो आंखें हैं उसे नॉर्मली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, तो लगता है कि वो गायब हो गया है, यानी कि अदृश्य हो गया है। जैसे कि फैन का ब्लेड हमें दिखता ही नहीं है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें अदृश्य हो जाता है, दिखता है नहीं दिखता है, लेकिन हमें क्या, हमें तो फन करना है, यानी कि हमको कुछ बनाना है। तो आज हम क्या बनाएंगे? आज हम एक टॉय बनाते हैं जो इसी फंडे से बना है। तो चलो बनाते हैं एक टॉय। इसके लिए लेंगे एक मोटा पेपर, कलरफुल पेपर स्ट्रिप्स। अगर आपके पास कलरफुल पेपर स्ट्रिप्स नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल स्ट्रिप्स काटिए पेपर का और उसे कलर कर लीजिए। और लेंगे एक बैम्बू स्टिक। इसके अलावा चाहिए कैंची, कटर, पेंसिल और ग्लू। पहले ये मोटा पेपर लेंगे और इस पे दो सर्कल काटेंगे। तो कोई भी ढक्कन रख के आप दो सर्कल ड्रॉ कर लो। अब इसे हम काटेंगे। काटने के लिए हम कैंची या कटर का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा सर्कल कट गया है। जब आप कटर इस्तेमाल कर रहे हो तो बड़ों का होना जरूरी है। ये दो सर्कल कट गए हैं। अब इसके बीच में एक छेद करेंगे। कोई भी नोकीला चीज से छेद कर सकते हैं, जैसे कि कंपस। कंपस इस्तेमाल कर रहे हो तो भी बड़ों का होना जरूरी है। अब इन दोनों में छेद हो गया है। पहले हम ग्लू लगा लेंगे और ग्लू लगाने के बाद हम पेपर स्ट्रिप्स को चिपकाएंगे। मैंने चार कलर के पेपर स्ट्रिप्स यूज किया है। आप ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो ये चिपक गया है। अब दूसरा सर्कल रख के सेम टू सेम इसके ऊपर रखेंगे और ये ऊपर वाला जो सर्कल है उसे उसमें बाकी के स्ट्रिप्स जो है उसे चिपका देंगे। ये चिपक जाने के बाद इसे अच्छे से सुखा लेंगे और ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम लेंगे ये बैम्बू स्टिक को, ये बीच में किया हुआ छेद के अंदर से डालेंगे। नीचे वाला जो सर्कल है उसका छेद बैम्बू स्टिक से बड़ा होना चाहिए। अब ऊपर वाले सर्कल में हम यहाँ पे ग्लू लगाएंगे और इसे ड्राई होने के लिए रख देंगे। ये ड्राई हो गया है और बन गया है हमारा टॉय। अब इसको घुमाते हैं। वाओ, इतना मस्त लग रहा है ना? देखने में कितना सुंदर और बनाना कितना इजी। चलो आप ही बनाओ और ढेर सारा फन करो। डम डी डिडल डू आया ये के साथ सीखने में मजा खूब। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो नेक्स्ट वीडियो आपको और ज्यादा अच्छा लगेगा, तो इसलिए आप जल्दी से ये चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्वाइन हो जाओ ये समर कैंप आज ही।